प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी को रथ यात्रा के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 मिलियन टन उत्पादन को चिन्हित करने के लिए आरएसपी के सीईओ द्वारा सिंटर प्लांट 3 में स्मारक का उद्घाटन और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए पार्श्वांचल ग्रामों के विद्यार्थियों को 19.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिंटर प्लांट 3 में हाल ही में पंजीकृत 25 मिलियन टन सिंटर उत्पादन के उपलक्ष्य में 16 जुलाई को एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर सिंटर प्लांट 3 के सामने बने पुनर्निर्मित पार्क का उद्घाटन किया और इस अवसर के उपलक्ष्य में 25 मिलियन टन स्मारक समर्पित किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री पंकज कुमार, कार्यपालक निदेशक माइन श्री ए के कुंडू, कार्यपालक निदेशक संचालन श्री एस आर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री ए के प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के शतपति, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सी आर महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम, मुख्य महाप्रबंधक एवं विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। भविष्य में उच्च उत्पादन प्राप्ति को मद्देनजर रखते हुए सिंटर प्लांट कर्मी समूह द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया यह स्मारक स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों और आरएसपी स्टील से बनाया गया है। पुनर्निर्मित और पुनः डिजाइन किए गए पार्क को छोटे छोटे पौधों की अनेक किस्मों और एक छोटा फव्वारा के साथ तैयार किया गया है। बगीचे का सर्वोत्तम आकर्षक रचना अपशिष्ट कंकड़ और लोहे की छड़ से बनाई गई गौतम बुद्ध की एक दस्तकारी प्रतिमा है। बगीचे की सीमा से सटे लगभग 300 मीटर के फिटनेस पथ का उद्देश्य कर्मचारियों को फिट और स्वस्थ रखना है। एक बेहतर कार्य वातावरण बनाने के लिए उद्यान और स्मारक कर्मचारी जुड़ाव का एक और शानदार उदाहरण है। हाल ही में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीएसआर पहल के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाले और सुंदरगढ़ जिले आरएसपी के आदर्श इस्पात ग्रामों और पुनर्वास कॉलोनियों के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित 21 विद्यार्थियों को 19.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रशंसा पत्र सौंपने का कार्यक्रम पार्श्वांचल विकास संस्थान सेक्टर 20 में कुछ दिनों की अवधि में सभी कोविड-19 मानदंडों का सख्ती से पालन करते हुए आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री ए के नायक, महाप्रबंधक नगर प्रशासन श्री सी जी रामलिंगम, उप महाप्रबंधक प्रभारी सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्र और सीएसआर विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुश्री मित्र ने किया। वर्ष 2020-21 बैच के 21 विद्यार्थियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से 100% भुगतान प्रदान किया गया। इस योजना के तहत 30,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जो कि 60,000 रुपये 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, 1,20,000 रुपये 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रमों जैसे बीटेक और 1,50,000 रुपये 5 साल के एमबीबीएस कोर्स के लिए रखी गई है। योजना के अनुसार प्रति वर्ष पेशेवर अध्ययन के लिए स्नातक कोर्स कर रहे 20 विद्यार्थियों, 10 लड़के और 10 लड़कियां और स्नातकोत्तर कोर्स कर रहे 10 विद्यार्थियों, 5 लड़कियां और 5 लड़के का इस छात्रवृत्ति के लिए चयन किया जाता है। चयन किए गए विद्यार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन और निरंतरता प्रमाण पत्र जमा करने के आधार पर प्रतिवर्ष किस्तों में छात्रवृत्ति राशि दी जाती है। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि वे मास्क अवश्य पहने, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।